मल्लारी के मेन मार्केट में लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा था। सभी कैलाश राजा दक्ष के बेटे को फाइट करता देखना चाहते थे और कैलाश ने उन्हें मायूस नहीं किया था। उसने अब तक तक्ष के 4 गुंडों को मार गिराया था और बाकी जो बचे थे उनकी स्थिति कुछ ऐसी हो चुकी थी कि वो सभी कैलाश से दूर भाग रहे थे। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि कैलाश का सामना करे और अभी तक कैलाश ने सिर्फ अपनी स्पीड की बदौलत उनके अंदर ये डर पैदा कर दिया था। पर तक्षय जान चुका था कि अगर उसे कैलाश से निपटना है तो उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना ही होगा। इसके अलावा अब तक्षय अपने साथियों को कैलाश से दूर भागते देखता है तो उससे रहा नहीं जाता और वो उनमें से एक को बुरी तरह मारता हुआ जनता की भीड़ में फेंक देता है, जिसे देख के बचे हुए 5 गुंडे खुद को फंसा हुआ पाते हैं। अगर वो कैलाश से भागते हैं तो तक्षय का सामना करना पड़ेगा और अगर तक्षय के साथ कैलाश पर हमला करते हैं तो फिर तो अनादि ही उनका मालिक है। उनका बुरी तरह जख्मी होना तय था। उनके लिए तो दोनों तरफ मानो मौत का फरमान जारी हो चुका था। अंत में उन्होंने तक्षय का ही साथ देना तय किया। जब तक्षय उनसे कहता है, डरो मत, अगर भाग गए तो मुझसे बच के कहां जाओगे? तुम में से एक एक को ढूंढ के मैं खुद मौत के घाट उतार दूंगा। अगर साथ में लड़े तो इसको जान से मार सकते हो। आधे अधूरे मन से ही सही, पर तक्षय के आदमी कैलाश पे एक साथ हमला कर देते हैं। पर अब तक कैलाश ने उनके मन में अपना इतना डर बैठा दिया था कि उसके लिए उन्हें मार गिराना बहुत आसान हो गया था और जनता की नजरों के सामने एक एक करके तक्षय के आदमी ताश के पत्तों की तरह गिरते जाते हैं। जब कैलाश तक्षय के आखिरी गुंडे को गिराता है तभी तक्षय कायरों की तरह कैलाश के पीछे पहुंच जाता है और कैलाश पर हमला कर देता है। ये वही हमला था जिससे तक्ष ने पिछली बार कैलाश की जान ली थी। नीरा भी तक्षय को देख नहीं पाती। जब तक नीरा तक्षय को देख पाती तब तक काफी देर हो चुकी थी और कैलाश तक्षय के उस वार से आहत हो चुका था। उसकी बॉडी किसी प्रोजेक्टाइल की तरह हवा में तेजी से उड़ते हुए सामने खड़ी भीड़ को चीरते हुए पास की ही दीवार पर जाके टकराती है। तक्षय के अटैक में इतनी ताकत होती है कि जब कैलाश उस दीवार से टकराता है तो उस दीवार का उतना हिस्सा टूट जाता है और कैलाश की बॉडी उस बिल्डिंग के कहीं अंदर जाके जमीन पे गिरती है। अब किसी को नहीं पता था कि कैलाश कैसा है, कहाँ है। तक्षय धोखे से ही सही पर कैलाश पर फिर से अपना जानलेवा पंच मारने में सफल हो गया था। उसे पता था कि अब कैलाश का उस गुफा से बाहर आना नामुमकिन था। नीरा चीखती हुई कहती है, कैलाश, और फिर वो उस दीवार की तरफ भागती है। इधर महल में राजा दक्ष के चेहरे पर भी अचानक चिंता का भाव आ चुका था और अब उनका ध्यान करना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने भी देख लिया था कैसे तक्षय ने कायरों की तरह कैलाश पर पीछे से हमला किया था। वो फिर भी अपनी आंखें बंद करके वहां ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। नीरा भागती हुई कैलाश के पास आ जाती है। टूटी हुई दीवार की धूल पूरे एरिया में फैली हुई थी और वहां कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा था। नीरा को कैलाश एक कोने में पड़ा दिखाई पड़ता है। कैलाश की जान के लिए घबराई हुई नीरा भाग के कैलाश के पास जाती है। वो देखती है कि कैलाश की कमर आग से सुलग रही थी और कैलाश बेहोश हो चुका था। नीरा रोती हुई बेहोश कैलाश को पुकारती है, कैलाश, कैलाश, प्लीज उठो, कैलाश। कैलाश की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं पाके नीरा की सिसकियां बढ़ जाती है। बाहर लोगों के बीच खड़े तक्षय का घमंड साफ झलक रहा था और कैलाश को दोबारा मार पाने की खुशी भी उसके चेहरे पर खिली हुई दिख रही थी। वो वहां की जनता से कहता है, देखा आप लोगों ने कितना ताकतवर है राजा दक्ष की ये औलाद? क्या ऐसे ही आप लोग अपना राजा संरक्षक बनाना चाहते हो? ये नहीं
मैं हूं उस सिंहासन का असली हकदार, और बहुत जल्द मैं उस राजा दक्ष को भी हरा के वो जगह हासिल कर लूंगा। अब्दुल का गुबार थोड़ा शांत हो चुका था। नीरा और कैलाश पर बाहर का उजाला भी पहुंच पा रहा था। कुछ लोग बाहर से नीरा और कैलाश की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर भी कैलाश की स्थिति देख के दुख था। कैलाश की चोट पर नीरा की नजर जाती है और नीरा को उसका आकार अब छोटा होता नजर आता है। ना उम्मीद हो चुकी नीरा को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है। बहते आंसुओं के साथ हल्की सी आशा भरी मुस्कुराहट के लिए नीरा कहती है, कैलाश तुम मेरी बात सुन पा रहे हो कैलाश? और नीरा देखती है कि कैलाश की आंखें धीरे से खुलती है। कैलाश को भी नीरा की धुंधली सी छवि दिखती है और वो समझ जाता है कि नीरा बहुत ज्यादा घबराई हुई है और उसे देखते हुए रो रही थी। वो मजाक करते हुए नीरा से कहता है, मैं ठीक हूं या फिर हम स्वर्ग में हैं? कैलाश की बातों से नीरा की हंसी छूट जाती है और वो कहती है, इतनी आसानी से स्वर्ग नहीं मिलता कैलाश। नीरा देखती है कि कैलाश की चोट अब लगभग जा चुकी थी। कैलाश के सामने नौक्रम की स्क्रीन आती है जिसमें लू ऑन एनर्जी की वार्निंग फ्लैश होती रहती है। कैलाश को नौक्रम की आवाज कहती है, कैलाश चोट जानलेवा थी और तुम्हारी एनर्जी उसे ठीक करने में काफी कम हो गई है। तुम्हें ये फाइट यहीं रोकनी होगी। ऐसे में तुम्हारा ये फाइट जीत पाना पॉसिबल नहीं होगा। नीरा कैलाश से पूछती है, क्या तुम चल सकते हो? नीरा के सवाल का जवाब कैलाश सर हिला के हां में देता है और मन ही मन नौकरम से कहता है, मैं ये लड़ाई आज ही लड़ूंगा और जीतूंगा। नौकरम कैलाश को बताता है, तुम्हारे पास मणि नहीं है और तुम्हें वापस एनर्जी बनाने में कुछ समय लगेगा। कैलाश जमीन पर ही लेटा हुआ था और नीरा झुककर कैलाश की ठीक हो चुकी चोट को ध्यान से देख रही थी। नीरा के झुके होने से कैलाश देखता है कि उसका मणियों वाला नेकलेस बाहर लटक रहा था। कैलाश नीरा से कहता है, नीरा तुम बाहर जाओ और मैं अभी आया। नीरा कहती है, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूं। ये लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। तुम्हें जो भी प्रूफ करना था तुम कर चुके हो। अब तुम्हें मैं यहां से सीधा घर लेके जाऊंगी, बस। कैलाश नीरा को मनाते हुए कहता है, पर तुम ये तो देख लो कि कहीं तक्षय मेरा वेट बाहर तो नहीं कर रहा है, वरना तुम मुझे बाहर लेके निकली और वो फिर से मुझ पर अटैक कर दे। कैलाश की बातों में नीरा को पॉइंट दिखता है और वो कैलाश को वहां अकेला छोड़कर धीरे धीरे बाहर जाके देखती है। लोगों की भीड़ अभी भी बाहर बनी हुई थी। तक्षय के कम घायल साथी अपने बेहोश या अधमेरे साथियों को सहारा देते हुए कार में बैठ रहे थे। नीरा थोड़ा और बाहर आके देखती है। तक्षय भी अपनी कार के पास जा चुका था। कुछ लोग नीरा की तरफ देखते हैं। नीरा तक्षय के जाने का इंतजार कर रही थी। उसके गले से वो मणियों की माला जा चुकी थी और इस बात का एहसास नीरा को अभी तक नहीं हुआ था। कैलाश अब अपने पैरों पे खड़ा हो चुका था और उसके हाथों में नीरा की माला थी। वो खड़ा होके बाहर की भीड़ को देखता है। बाहर लड़ाई का मैदान अभी भी खाली था और उसपे फाइट करने वाले लगभग निकल चुके थे। तभी कोई चीज बहुत ही तेजी से उस फाइटिंग एरिना के बीचों बीच आके रुकती है। उसकी स्पीड से कोई समझ नहीं पाता कि वो था क्या जो टूटी हुई दीवार से निकल के फिर वापस मैदान में आ गया था। कैलाश अपने साथ धूल का गुब्बार लेके आया था जिसकी वजह से काफी देर तक लोगों को उसका चेहरा दिखाई नहीं देता, पर जब हवा साफ होती है तो लोगों के सामने उनका हीरो कैलाश खड़ा नजर आता है। उसे देखते ही लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो सीटियों और तालियों से
कैलाश के आने की खुशी जाहिर करते हैं। तक्षय और उसके जख्मी आदमी जब मुड़के देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जब तक्षय कैलाश को वापस अपने सामने खड़ा देखता है तो उसका सारा खून जम जाता है। कैलाश फाइटिंग पोजीशन लिए अब तक्षय को अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा होता है। अपनी साख की लड़ाई लड़ने पे मजबूर तक्षय आगे बढ़ता है और शुरू होती है आमने सामने की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई, जो कि अब कैलाश आसानी से जीतता नजर आ रहा था। तक्षय के डरे हुए घायल साथी अपने सरदार की दुर्गति होते अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं। नीरा भी अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसने कैलाश को बेहोशी की हालत से वापस एकदम नॉर्मल होते देखा था। ऐसा हो पाना नामुमकिन भी था, उसे विश्वास ही नहीं था। कुछ ही देर पहले उसने कैलाश की बॉडी से उस जलते हुए घाव को ठीक होते देखा था। कैलाश की कमजोर आवाज से उसे लगा था कि कैलाश अब लड़ाई करने के लायक नहीं है और वही सोच के नीरा उसे अंदर छोड़कर बाहर आई थी। ऐसा उसने कैलाश के ही कहने पर किया था। वो समझ जाती है कि कैलाश ने उससे झूठ बोला था और अब वो उसके सामने था, बिल्कुल ठीक और चैतन्य, उतना ही एक्टिव जितना कैलाश फाइट की शुरुआत में था, मानो उसे कोई चोट लगी ही ना हो। नीरा के लिए एक साथ ये हजम कर पाना मुश्किल हो रहा था, पर चूंकि जो भी हो रहा था उससे वो खुश थी तो उसका दिमाग इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता है। वो तो अपने सामने के मंजर को देख के ही बहुत प्रफुल्लित थी। कैलाश तक्षय के साथ किसी गंदे से पुराने गुड्डे की तरह खेल रहा था। तक्षय का कोई भी वार कैलाश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था और शांत दिख रहे कैलाश के मूवमेंट एकदम सधे हुए और एक्यूरेट थे। कैलाश देखता है कि जिनता भी अब चाहती थी कि तक्षय को जमींदोज कर दिया जाए, तो कैलाश तक्षय के निशक्त हो चुके अटैक को आखिरी बार ब्लॉक करता है। तक्षय के चेहरे पर कई चोटें साफ दिख रही थी जिनसे काफी खून बह चुका था। उसके पहने हुए कपड़े भी चीथड़ों में तब्दील हो चुके थे और उखड़ती हुई सांसों तक्षय के आगे लड़ पाने की गुंजाइश खत्म करती दिख रही थी। कैलाश ने तक्षय को अपने एक हाथ से पकड़ रखा था। अब अधमरा सा हो चुका तक्षय कैलाश के हाथों में किसी खिलौने से ज्यादा नहीं था। कैलाश जैसा चाहता था तक्षय को पनिश कर सकता था और उसके आदमी भी महज दर्शक बने सिर्फ देख सकते थे। अपने सरदार को बचाने की हिम्मत अब उनमें नहीं बची थी। कैलाश के जहन से हर वो नजारा गुजर रहा था जब तक्षय ने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। नीरा के साथ की हुई उसकी हर बदतमीजी कैलाश की नजरों के सामने से गुजरती है। जब तक्षय ने उसे लहूलुहान कर अंधी खाई में धकेल दिया था, वो मंजर भी कैलाश को याद आ जाता है। उस वक्त कैलाश एक कमजोर मामूली इंसान था जिसे कोई भी मार सकता था, पर आज का कैलाश कोई और था जिसने तक्षय से अपने ऊपर किए सारे गुनाहों का हिसाब ले लिया था। कैलाश ने जनता के मन में देवकुल के खिलाफ उठ रहे सवालों का भी अंत कर दिया था जिसके बीज तक्षय ने बोए थे। कैलाश ने जीत हासिल कर ली थी। अभी भी राजा दक्ष ने ध्यान मुद्रा छोड़ी नहीं थी। दूर बैठे राजा दक्ष अपने बेटे को देख रहे थे। उनके चेहरे की प्रसन्नता साफ थी और वो भी कैलाश की फाइटिंग स्किल्स देख के बेहद प्रभावित दिख रहे थे और अचानक उनके चेहरे की खुशी चिंता में बदल जाती है। उन्हें कुछ ऐसा दिख जाता है जो उन्हें अपनी आंखें खोलने पे मजबूर कर देता है। दक्ष की चिंता अब शौक में बदल गई थी और वो अपनी जगह छोड़कर खड़े हो चुके थे। ऐसा क्या देख लिया था राजा दक्ष ने? क्या कुछ ऐसा होने वाला था जिसके लिए कैलाश तैयार नहीं था? क्या था वो, या यूं कहें कौन था वो जिसने अचानक राजा दक्ष की ध्यान मुद्रा तोड़ दी थी? जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ।
कैलाश ने तक्ष के झूलते हुए शरीर को अपनी मुट्ठी से बांध रखा था। पूरी जनता और नीरा देख रही थी कि कैलाश के सामने तक्ष ने हार मान ही ली थी, पर नीरा समझ जाती है कि कैलाश का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। शायद कैलाश ने तक्ष को जान से मारने की ठान ली थी। नीरा नहीं चाहती थी कि कैलाश किसी की जान ले, पर शायद कैलाश का ऐसा सोचना नहीं था और वो तक्ष का नामो निशान मिटा देना चाहता था, जिसके लिए कैलाश तैयार था। कैलाश तक्ष को अपने एक ही हाथ से हवा में लटका देता है। कैलाश का दूसरा हाथ तक्ष की छाती पे चोट मारने के लिए तैयार था। इस चोट से नीरा समझ जाती है कि तक्ष मर सकता था, क्योंकि उस पंच का असर बाहर नहीं तक्ष के दिल पर होगा। चोट लगते ही तक्ष का दिल एक्सप्लोड हो जाएगा और वहीं तक्ष का अंत हो जाएगा। नीरा की सांसें रुक जाती है। वो देखती है कि अचानक वहां तेज हवाएं चलने लगती है। हवा की गति सडनली इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोगों का वहां खड़ा हो पाना भी मुश्किल होता है। सभी अपने आप को संभालने में लगे थे, अपने पैर जमीन पर जमाए रखने की कोशिश कर रहे थे, पर कैलाश उस सबको नजरअंदाज करते हुए गुस्से से तक्ष की ओर ही देख रहा था। और कैलाश तक्ष पर अपना आखिरी पंच मार देता है, पर इससे पहले कि कैलाश का पंच तक्ष को टच कर पाता, कैलाश के हाथों से तक्ष को छीन लिया जाता है और हवा के तेज थपेड़ों से कैलाश अपनी ही जगह पर कई बार घूमता हुआ अपने आप को गिरने से बचाने की कोशिश करता है। उसे यकीन नहीं होता है कि तक्ष उसकी पकड़ से छूट चुका था। जब कैलाश अपने आप को संभालने के लिए ऊपर देखता है तो उसे एक अनजान सा चेहरा दिखाई पड़ता है। हालांकि कैलाश की मार से तक्ष बेहोश हो चुका था और उसके शरीर से कई जगह से खून बह रहा था, पर अब वो किसी और की गिरफ्त में था। ये कहना गलत नहीं होगा कि तक्ष अब किसी और की बाहों में महफूज था। कैलाश देखता है कि हवा में तैर रहा वो आदमी उम्र में काफी बूढ़ा था और उसे देखकर कैलाश को शमन की याद आती है, पर उसकी शक्ति के सामने शमन की कोई बिसात नहीं थी। जिसने तक्ष को कैलाश के हाथों से छीना था वो वाघ कुल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली सदस्य वरद था। वरद के बारे में कई कहानियां शहर के लोगों के बीच प्रचलित थी। कोई नहीं जानता था कि वो महज कहानियां थी या फिर उनमें सच्चाई भी थी। कहा जाता है कि कई सालों पहले वरद अंगीरा छोड़ के जंगलों में चला गया था, जहां उसने तप करके इतनी शक्तियां इकट्ठी कर ली थी कि अकेले उसके वाघ कुल में आ जाने से वाघ कुल की ताकत वेद कुल से ज्यादा हो चुकी थी। लोग तो यह भी कहते सुने गए थे कि खुद राजा दक्ष भी वरद का सामना करने के योग्य नहीं है, और जिस दिन उनका सामना वरद से होगा वो दिन उनकी सत्ता का आखिरी दिन होगा। वरद को देख के ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो अत्यंत शक्तिशाली इंसान था। उसके सीधे और लंबे हवा में उड़ते बाल सफेद और सुनहरे रंग के थे। लंबी और घनी दाढ़ी वरद को एक सीरियस और खतरनाक लुक दे रही थी। उसने धोती और एक अंगवस्त्र पहना हुआ था जो हवा के साथ उड़ रहे थे और वरद की बलशाली गठीली बॉडी का एहसास करा रहे थे। अभी तक घायल तक्ष को अपने हाथों में उठाए हुए वरद कैलाश की तरफ क्रोध से देख रहा था। तक्ष को धीरे से वरद जमीन पर रखते हुए कैलाश पे अपनी नजर बनाए रखता है। कैलाश भी बिना डरे एक टक वरद को ही देख रहा था। कैलाश शांत था और उसका मन भी एकदम स्थिर था। कैलाश नौक्रम से पूछता है, ये कौन है जिसने तक्ष की जान बचाई है? नौकरम का जवाब आता है, इसका नाम वरद है, रिश्ते से वरद तक्ष का दादा है। कैलाश नौकरम से कहता है, तो फिर आज तक्ष के साथ उसके कुल के एक और मेंबर को मेरे हाथों मरना पड़ेगा। नौकरम कैलाश को वार्न करते हुए कहता है, तुम्हारी बातों से मुझे ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है कैलाश,
मैं तुम्हें बता दूं कि वरद को हरा पाना अभी तुम्हारे बस का नहीं। नौकरम की कही बातों पर कैलाश को यकीन नहीं होता है। उसे तो सामने एक बूढ़ा हो चला इंसान दिख रहा था, जिसने अपनी बॉडी को हवा में रखने की कला सीख रखी थी। बस कैलाश नौकरम से कहता है, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं इसे हरा सकता हूं। इस पर नौकरम कहता है, इसे हरा पाना तुम्हारे पिता के भी बस की बात नहीं है कैलाश। बेहतर होगा अगर तुम यहां से निकल जाओ। नौकरम की बात अब कैलाश के डिसीजन को बदल नहीं सकती थी, और कैलाश ने ठान लिया था कि वो उस बूढ़े वरद से लड़ेगा। वो उसे ललकारता हुआ कहता है, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने अधमरे रिश्तेदार को लेके अंगीरा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ, वरना मैं तुम्हारा भी वही हाल कर दूंगा। जो वरद अंगीरा के लिए बस एक पहेली बना हुआ था, आज सब उसकी भारी और भयानक आवाज सुनते हैं जब वो कैलाश से कहता है, अंगीरा से जाने का समय मेरा नहीं, तुम वेद गुल वालों का है। तक्षय मेरा खून है, और जो तूने उसके साथ किया है उसके बाद तेरा अंत तय है। कैलाश निडर तो था, पर वरद की बातें उसके दिल पर असर कर जाती है, और अब वो अपने आप को लड़ाई के लिए तैयार कर लेता है। पर कैलाश की कोई भी तैयारी काम नहीं आती जब वरद का क्रोध कैलाश पर उसका काल बन के बरसता है। नौकरम ने जो बात कैलाश से कही थी वो शत प्रतिशत सही होती नजर आ रही थी। कैलाश की लाख कोशिशों के बाद भी वो वरद का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। नीरा भी कैलाश की मदद करने आ जाती है, और दोनों मिलके वरद से युद्ध करते हैं। पर फिर भी वरद आसानी से दोनों के अटैक्स को कुछ इस तरह डिफेंड करता है जैसे उसके लिए वो बाएं हाथ का खेल हो। लोग देखते हैं कि वरद की सिर्फ एक उंगली की चोट से नीरा दूर जाके गिरती है, जिसके बाद उसका उठ पाना मुश्किल हो जाता है। नीरा को देखकर कैलाश के चेहरे में खून का उबाल देखा जा सकता था। कैलाश अपनी पूरी शक्ति से वरद पर अटैक करता है, और वरद अपना हाथ ऊपर करता है, जिससे एक ऐसा पावरफुल फील्ड तैयार होता है जिसे कैलाश लाख कोशिशों के बाद भी भेद नहीं पाता। कैलाश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, पर वो वरद के करीब नहीं पहुंच पाता है। कैलाश का सामना ऐसी प्रोटेक्टिव फील्ड से पहली बार हुआ था, और उसके पास ना तो उसे तोड़ पाने की ताकत थी ना ही तजुर्बा। दूसरी ओर नीरा जैसे तैसे अपने आप को खड़ा करती है। जिस स्थान पर वरद की उंगली से उसे चोट लगी थी, अनायास ही नीरा का हाथ उस जगह चला जाता है। नीरा को जी तोड़ दर्द हो रहा था, जिससे उसका सांस ले पाना भी दुभर था। वो अपने आप को संभालते हुए वरद की तरफ देखती है। कैलाश अभी भी वरद के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अपनी चोट को भूलती हुई नीरा दूसरी दिशा से वरद के ऊपर अटैक करती है, और लकीली उसका एक वार कामयाब होता है। नीरा की मार से वरद का ध्यान भटक जाता है, और उसकी प्रोटेक्टिव फील्ड भी खत्म हो जाती है। कैलाश तुरंत इसका फायदा उठाना चाहता है, और वो वरद के ऊपर टूट पड़ता है। पर कैलाश और नीरा दोनों मिलके वरद के खिलाफ इतना ही कर सकते थे। नीरा के कारनामे ने वरद को और क्रोधित कर दिया था, और जो वरद अब तक डिफेंसिव होके लड़ रहा था अचानक अग्रेसिव हो जाता है। जैसे ही वरद अपने दाहिने हाथ उठाता है, नीरा का शरीर अपने आप ही उसके पास खिंचा चला जाता है। कैलाश देखता है कि वरद ने नीरा को बालों से पकड़ के हवा में लटका रखा है। इसके पहले कि वरद नीरा को अपने खाली हाथ से चोट पहुंचा पाता, कैलाश वरद को मारने के लिए दौड़ पड़ता है। इस बार वरद तैयार था, और वरद के मात्र कैलाश की तरफ अपना हाथ घुमाने से कैलाश का शरीर हवा में गोते खाता हुआ भीड़ में जाके गिर जाता है। अब वरद के हाथों नीरा की जान खतरे में थी। कमजोर नीरा जानती थी कि वरद अपने एक वार से ही उसकी जिंदगी खत्म कर सकता था,
वहां खड़े लोग भी घबरा चुके थे और वो जानते थे कि अब नीरा की जान बच पाना मुश्किल है। कैलाश वापस भागता हुआ भीड़ को हटाते हुए मैदान में आता है। कैलाश देखता है कि वरद नीरा को पकड़े अब हवा में ऊपर उठ चुका था। कैलाश अब कुछ नहीं कर सकता था। जमीन पर रह के तो कैलाश वरद से लड़ सकता था, पर हवा में ऊपर उठ पाना अभी तक कैलाश की शक्तियों में शुमार नहीं हुआ था। वो नीरा की जान खतरे में देखकर उसे पुकारता है, नीरा। पर नीरा ने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो लगातार अपने आप को वरद की जकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी हर कोशिश जाया जाती दिख रही थी। बेबस नीरा अपने हाथ पैर चलाते हुए थक सी गई थी, पर कैलाश देखता है कि वरद की पकड़ जरा भी ढीली नहीं हुई थी। नीरा की ही तरह कैलाश भी बेबस था। वो चिल्लाता हुआ वरद को ललकारता है, क्या यही है तुम वाक कुल वालों की वीरता? एक लड़की की जान लेने से भी पीछे नहीं हटते तुम लोग। तुमसे बड़ा कायर मैंने नहीं देखा। है हिम्मत तो नीचे आ और मेरा सामना कर। कैलाश की बातों का वरद पे कोई असर नहीं होता है। नीरा अपने आप को वरद से दूर करने में फेल हो चुकी थी। एक बलि चढ़ रहे जानवर की तरह छटपटाती नीरा अपनी आखिरी कोशिश में जोर से लात घुमाती है जो वरद के पेट पर लगती है। चोट का असर वरद के शरीर में तो नहीं पर उसके गुस्से पर होता है। बेहद नाराज वरद अब नीरा को जान से मारने का निश्चय कर लेता है। कैलाश समझ जाता है कि वरद नीरा को मार डालेगा और उसे रोकने के लिए कैलाश के कदम अपने आप उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी बड़ी घबराई आंखों के साथ कैलाश की स्पीड तेज होती है और उसे एहसास ही नहीं होता है कि कब उसने जमीन छोड़ दी थी और वो अब हवा में आगे बढ़ रहा था। वरद नीरा को आखिरी पंच मारने ही वाला था जब कैलाश ये देखता है तो वो चीखता हुआ पुकार उठता है, नहीं। लोगों को अपने पैरों के नीचे के जमीन हिलने का एहसास होता है जिसके साथ ही आसपास की सारी बिल्डिंग्स वाइब्रेट होने लगती है। कुछ आ रहा था, शायद बहुत तेज, जिसकी वजह से लोगों को वाइब्रेशन के साथ उनकी तरफ बढ़ती हुई आवाज भी सुनाई देती है। वरद का हाथ नीरा के पेट की तरफ बिजली की स्पीड से बढ़ता है, पर उससे भी तेज आता एक आग का गोला वरद के शरीर से टकराता है जिससे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपने आप को उस एक्सप्लोजन से दूर करने के लिए भागने लगते हैं। वरद का पंच लगने से पहले ही नीरा उसकी पकड़ से भी छूट चुकी थी, पर हवा में काफी ऊपर होने की वजह से नीरा गिरने लगती है और उनकी तरफ बढ़ता कैलाश नीरा को हवा में ही कैच कर लेता है। नीरा कैलाश की बाहों में थी। दोनों अब एक साथ जमीन पर गिरते हैं। राहत की सांस लेते हुए कैलाश नीरा की तरफ देखता है। नीरा को चोट तो पहुंची थी पर वरद के चंगुल से छूटकर उसकी जान बच गई थी। नीरा और कैलाश अब ऊपर देखते हैं ये जानने के लिए कि आखिर वो एक्सप्लोजन जिससे उनकी जान बची थी वो हुआ कैसे था। अगर आपको भी जानना है कि कैलाश और नीरा की जान वरद से कैसे और किसने बचाई थी और अब इस भिड़ंत में आगे क्या होगा तो जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। कैलाश और नीरा ऊपर देखते हैं। वरद का शरीर एक्सप्लोजन झेलने के बाद भी बहुत ज्यादा घायल नहीं था। हाँ, आग के गोला लगने से वरद एक दीवार से जाके टकराया था जिससे वो दीवार गिर चुकी थी, पर वरद को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था। अपनी बॉडी पे लगे धूल के धब्बों को झटकारता हुआ वरद वापस खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे से अब गुस्सा गायब हो चुका था और वह हवा में वापस ऊपर उठता हुआ सामने ऐसे देखता है जैसे उसे पता था कि उसकी नजर किस पे पड़ने वाली थी। नीरा, कैलाश और वहां मौजूद सभी लोग बहुत अचंभित थे। कोई इतना बड़ा हमला झेल सकता है उन्होंने सोचा भी नहीं था। सबके सामने अब उनके राजा आ चुके थे। राजा दक्ष अपने बेटे, अपने कुल और अपनी प्रजा की रक्षा करने वरद का सामना करने आ चुके थे।
दक्ष को देख के वरद कहता है, आओ दक्ष आओ, तुम्हारे इन कमजोर शागिर्दों से खेलते खेलते मैं बोर हो चुका था। अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना खामखा मुझे तुम्हारे इन फड़फड़ाते कबूतरों की गर्दन मरोड़नी पड़ती। दक्ष वरद की बातों को नजरअंदाज करते हुए पूछता है, क्यों आए हो तुम वापस अंगीरा में? तुम्हारे कुल का सफाया करने, जिसकी शुरुआत मुझे तुमसे करनी है, वरद जवाब में दक्ष से कहता है। अपने राजा को ऐसे धमकी मिलता देख वहां की जनता नर्वस हो रही थी। उन्होंने वरद के बारे में कोई बातें पहले से ही सुन रखी थी और वो जानते थे कि अगर राजा दक्ष को मारकर वरद या वाग कुल का कोई भी शख्स उनका राजा बनता है तो उनके लिए इससे बुरी बात और कोई नहीं हो सकती थी, क्योंकि वरद और उनका कुल लुटेरों का कुल माना जाता है। वो अपनी प्रजा से भी लूटपाट करने में पीछे नहीं हटेगा। यह बात अंगीरा की जनता अच्छे से जानती थी और यही वजह थी कि वो राजा दक्ष को ही अपने राजा के रूप में देखना चाहते थे। पर आज उनके प्रिय राजा दक्ष के सामने वरद चुनौती बन के खड़ा था, और कहीं सुनी बातों पे यकीन करें तो वरद की शक्तियां उनके राजा दक्ष से ज्यादा ही थी। क्या वरद को बेहतर योद्धा बताने वाली वो बातें सच थी, ये जानने का समय आ गया था, क्योंकि दक्ष और वरद आज आमने सामने खड़े थे और उनके बीच के इस युद्ध को अब कोई नहीं रोक सकता था। अभी भी मौका है वरद, जो भी तुमने यहाँ डिस्ट्रक्शन किया है उससे जनता का बहुत नुकसान वैसे ही हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि हमारी इस लड़ाई में मल्लारी की जनता को और भी नुकसान झेलना पड़े। बेहतर होगा अपने लड़के को लेके तुम यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, दक्ष वरद से फिर एक बार कहता है। दक्ष की बातें सुन के वरद को हंसी आने लगती है। वो कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम जैसा योद्धा भी समय के साथ कायर हो जाएगा। अपनी प्रजा के नुकसान की आड़ में अपनी बुजदिली छुपाना बंद करो दक्ष, खुल के मेरा सामना करो। युद्ध तो तबाही लेके ही आता है, जिसके डर से कायर ही युद्ध से भागते हैं, और मैं इतने सालों की तपस्या के बाद यहां से भागने के लिए नहीं आया हूं। कैलाश को भी कहीं ना कहीं लगने लगता है कि उसके पिता वरद से लड़ना नहीं चाहते थे। उसे भी लोगों की कहीं बातें सही लगने लगती है। वो नीरा की तरफ देखता है और पाता है कि नीरा अब संभल चुकी थी और अपने राजा को देख रही थी। उसका मन भी संशय के बादलों से घिरा हुआ था। दक्ष समझ जाते हैं कि अब युद्ध टाला नहीं जा सकता है और वो अपने आप को वरद के साथ होने वाले द्वंद के लिए तैयार कर लेते हैं। दक्ष को देख के वरद के चेहरे पे एक अलग ही सेटिस्फेक्शन दिखाई देता है, जैसे सालों से वो भी इसी पल का इंतजार कर रहा था। दूर पड़े तक्षय की बॉडी में भी अब हलचल दिखाई देने लगती है। तक्षय जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे वरद दिखाई पड़ता है और अपने आप को जिंदा पाके वो चैन की सांस लेता है। लोग अब राजा दक्ष और वरद से जितना दूरी बना सकते थे बना लेते हैं। बेहतर तो ये होता कि वे सभी वहां से अपनी जान बचा के भाग जाते, पर अपने राजा के प्रति लगाव ने उनके पैर बांध दिए थे। कोई भी दक्ष को वहां अकेला छोड़ के जाना नहीं चाहता था। वरद तैयार था और राजा दक्ष आक्रमण करते हुए आगे बढ़ते हैं। वरद भी उतनी ही तेजी से राजा दक्ष की तरफ बढ़ता है। दोनों की स्पीड ऐसी होती है कि लोगों की आंखें उन्हें देख भी नहीं पाती। उन्हें बस हवा में एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए दो अलग रंग नजर आते हैं, जो सेकंड के दसवें हिस्से में आपस में टकरा जाते हैं, जिससे पैदा होती है कान के पर्दे फाड़ देने वाली एक गर्जना, और दोनों के शरीर टकराने से कई पावरफुल वेव्स भी उत्पन्न होती है, जिनका असर मिनटों में पूरे इलाके में फैल जाता है। आसपास की बिल्डिंग्स और खिड़कियों के कांच फूटकर चारों तरफ हवा में उड़ने लगते हैं। बरसते हुए वो कांच के टुकड़े लोगों पर गिरने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए
सभी इधर उधर भागने लगते हैं। सभी की आंखें बंद हो चुकी थी। कोई भी ऊपर दक्ष और वरद को नहीं देख पा रहा था। कैलाश, जिसने नीरा को पूरी तरह से कवर कर लिया था, वो ऊपर देखने की कोशिश करता है। जिस जगह दक्ष और वरद की बॉडीज टकराई थी, वहां एक डार्क होल जैसा बन गया था। कैलाश को समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता और वरद कहां थे, पर कैलाश, जिसे डार्क होल समझ आ रहा था, वो असल में दोनों सामंत योग के धनी योद्धाओं के टकराने से बना एक पावर जोन था। पर अब कैलाश को वो धीरे धीरे साफ होता दिखाई देता है। द्वंद्व शुरू हो चुका था और कैलाश को दिखता है कि दक्ष और वरद के पंजे आपस में जुड़े हुए थे और वो दोनों हवा में ही अपनी ताकत की आजमाइश कर रहे थे। अपने पिता को इतने पावरफुल योद्धा से लड़ते हुए देखकर कैलाश का दिल बैठा जा रहा था। कैलाश नीरा से कहता है, नीरा, मुझे कुछ करना होगा। डैड को मैं ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। नीरा भी डरी हुई थी और वो कैलाश का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, कैलाश, भूल के भी ऐसी गलती मत करना। तुम्हें मेरी और गुरुजी दोनों की सौगंध है। तुम देख रहे हो, वरद के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। उनका सामना सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं और तुम्हारे वहां जाने से उनकी एकाग्रता टूट जाएगी, उनकी जान भी जा सकती है। कैलाश नीरा के बातें सुन रहा था पर उसका मन नहीं मान रहा था। वो अपने पिता की मदद करना चाहता था। उसी समय कैलाश को नौकरम की भी आवाज सुनाई देती है, नीरा की कही बात में ही समझदारी है कैलाश। उस द्वंद में तुम बस किसी अड़चन की ही तरह रहोगे। तुम्हारे जाने से वहां दक्ष की कोई मदद नहीं होने वाली। अब बात तुम्हारी शक्ति से कहीं आगे बढ़ चुकी है। तुम बस खुद को और नीरा को सुरक्षित रखने के बारे में सोचो। हवा में एक दूसरे से भिड़ रहे दोनों योद्धा अपनी शक्तियों को जागृत करते हुए एक दूसरे को परास्त करने की कोशिश कर रहे थे, पर किसी का भी पलड़ा भारी होता नहीं दिख रहा था। लोगों की भ्रांति के विपरीत राजा दक्ष वरद के सामने बड़ा चैलेंज बन के उभरे थे। जब से उन दोनों के बीच द्वंद्व शुरू हुआ था, तब से ही लोगों के दिलों तक कंपन पैदा कर देने वाली गर्जना सुनाई दे रही थी, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पर जो सबसे ज्यादा विचलित थे वो थे राजा दक्ष। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने ऊपर भारी होते इस प्रतिद्वंदी को कैसे परास्त करेंगे। अपनी पूरी ताकत लगा देने के बाद भी राजा दक्ष देखते हैं कि वो वरद के चेहरे पे एक शिकन भी पैदा नहीं कर पाए थे। वो तो अपनी आंखें बंद करके जैसे ध्यान में चला गया था। दक्ष समझ जाते हैं कि कोई और तरकीब लगानी होगी वरद से जीत हासिल करने के लिए, और तभी एक झटके के साथ राजा दक्ष अपने हाथों को वरद के हाथों से अलग करते हैं। दक्ष के अलग होते ही वरद ने अपनी आंखें खोल ली थी। वो देखता है कि दक्ष अब अपने जादुई अस्त्रों का इस्तेमाल करने जा रहे थे। वो तुरंत अपने आप को तैयार करता हुआ जवाब में अपने अस्त्रों को एक्टिवेट कर लेता है। एक दूसरे से अब कई मीटर्स दूर खड़े दक्ष और वरद अपने अस्त्रों के साथ तैयार थे। एक साथ दोनों उन अस्त्रों को छोड़ते हैं जो बीच रास्ते में ही आपस में टकराते हैं। राजा दक्ष ने उसी आग के गोले जैसे अस्त्र का इस्तेमाल किया था जिससे नीरा की जान बचाई गई थी, पर इस बार वरद भी तैयार था और अपने बचाव में उसने भी अपने अस्त्र का इस्तेमाल कर लिया था। दोनों के अस्त्र टकराने से मानो बेतहाशा एनर्जी रिलीज होती है। ये किसी भूकंप से कम नहीं थी। कैलाश देखता है कि जिस बिल्डिंग के नीचे वो दोनों छुपे थे उसमें दरार आ चुकी थी और आपस की ऊंची ऊंची इमारतें लहराती हुई दिखाई दे रही थी। वहां खड़े सभी लोग अपने आप को बस किसी तरह जमीन पे बचाए हुए थे। थरथराहट इतनी तेज होती है कि सभी को अपने सीने में दर्द महसूस होने लगा था।
कैलाश देखता है कि दक्ष और वरद अब दोबारा उसी अस्त्र का प्रयोग करने जा रहे थे। वो नीरा को तुरंत उठाता है और वहां से भागने लगता है। एक बार फिर अस्त्र छोड़ दिए जाते हैं, जिनके टकराने का असर पहले से भी ज्यादा होता है, और जिस दीवार के नीचे कैलाश और नीरा छिपे थे वो ढह जाती है। कैलाश और नीरा उस बड़ी सी गिरती हुई बिल्डिंग से बाल बाल बचते हैं। आसपास का पूरा नजारा धुंधला हो चुका था और दोनों योद्धा में से अभी तक कोई भी हताहत नहीं हुआ था। दूसरे वार के तुरंत बाद वरद ने अपने अस्त्र तैयार रखे थे, जिनके टकराते ही उन्हें वो दक्ष के ऊपर छोड़ देता है। अभी गुबार कम भी नहीं हुआ था कि दक्ष देखते हैं वरद का छोड़ा हुआ अस्त्र उन्हें आके लगता है, जिसकी वजह से एक और एक्सप्लोजन होता है और कैलाश की आंखों के सामने उसके डैड का शरीर हवा में गोते खाते हुए बड़ी सी बिल्डिंग में टकराता है। कैलाश अपने डैड को पुकारता हुआ उस बिल्डिंग की ओर भागता है। वरद कैलाश को देखता है और बिजली से भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ कैलाश के सामने आके खड़ा हो जाता है। वरद को देखकर कैलाश के कदम रुक जाते हैं। वरद ने एक बार फिर अपने अस्त्र एक्टिवेट कर लिए थे, जो वो अब सामने खड़े कैलाश पे इस्तेमाल करने वाला था। कैलाश की आंखों के आगे स्क्रीन आ जाती है और उसे तुरंत जोर जोर से बीप की आवाज सुनाई देने लगती है। स्क्रीन पर लिखा होता है, चेंज योर पाथ, फेटल डेंजर अहेड, रन बैक। पर कैलाश के कदम पीछे हटने के लिए नहीं बढ़े थे। वो नौक्रम की वार्निंग को नजरअंदाज करता है और आगे वरद की ओर बढ़ने लगता है। कैलाश को वरद की ओर बढ़ता देखकर ऐसा लग रहा था कि खुद शिकार अपने शिकारी के पास जा रहा हो। वरद अपने तैयार किए हुए उस अस्त्र से कैलाश पे अटैक करने ही वाला होता है कि तभी दक्ष उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और ऐन मौके पे अपने बेटे की जान दोबारा बचाते हुए वरद के बालों को पकड़ के उसे जमीन पे पूरी ताकत से धोबी पछाड़ मारते हैं, जिससे वरद का छोड़ा हुआ वस्त्र किसी और दिशा में चला जाता है और एक बिल्डिंग से टकराता है, जिसके असर से कमजोर हो चुकी वो बिल्डिंग सबकी आंखों के सामने ध्वस्त हो जाती है। अगर वो अस्त्र कैलाश को लगा होता तो उसकी मौत तय थी, पर क्या राजा दक्ष की शक्तियां वरद के क्रोध को झेल पाएंगी, या फिर अत्यंत शक्तिशाली वरद राजा दक्ष की मौत का कारण बन जाएगा? क्या उनकी मौत से वेद कुल के इस साम्राज्य का अंत होने वाला था? इस भीषण युद्ध का अंत कहानी को किस दिशा में मोड़ेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। जमीन पर पड़े वरद से हटकर दक्ष का ध्यान कैलाश पर जाता है। पिता के चेहरे पे अपने बेटे को खो देने का डर साफ दिख रहा था। इससे पहले कि दक्ष कैलाश की खैरियत पता कर पाते, वरद दोबारा उठकर खड़ा हो जाता है, जिसका अंदाजा दक्ष को नहीं होता। वरद दक्ष पे पहले वार करता है और दक्ष का शरीर कैलाश के सामने से होता हुआ बहुत दूर जाके गिरता है। कैलाश अपने पिता को देख ही रहा होता है कि दक्ष के हाथों बुरी तरह लज्जित हुआ वरद कैलाश पर भी वार करता है और कैलाश का हश्र भी दक्ष की तरह ही होता है। कैलाश का शरीर अपने पिता से सैकड़ों फीट दूर जाके गिरता है। जब दक्ष वापस अपने आप को संभालता हुआ खड़ा होता है तो वो वरद को फिर से अपने सामने देखता है। वरद एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा था। जितनी जल्दी दक्ष को इस द्वंद को खत्म करने की थी, वरद ऐसी किसी जल्दी में नहीं था। उसे वेद गुल के इस राजा को ना सिर्फ परास्त करना था, बल्कि उसका मकसद दक्ष को उसकी ही जनता के सामने बेइज्जत करना भी था। वरद की दी चोट से दक्ष संभल तो गए थे, पर उस चोट का असर गया नहीं था और अब उनकी सांसें फूलने लगी थी। वरद ये बदलाव दक्ष में देख लेता है और ताना मारते हुए कहता है, तुम तो अभी से थके हुए नजर आ रहे हो दक्ष, इतने सालों के राजा के आराम ने तुम्हें कमजोर बना दिया है, अभी भी वक्त है, मेरे सामने समर्पण कर दो, हो सकता है मैं तुम्हारी जान बख्श दूं।
राजा दक्ष ने वरद का कहा सुन लिया था। वो जवाब में कहते हैं, ज्यादा शक्तियां हासिल कर लेने से कोई राजा नहीं बनता वरद, प्रजा का दिल जीतना पड़ता है जो वाक कुल कभी नहीं कर सकता। मुझे हरा के ही तू अंगिरा पे राज कर पाएगा। दक्ष की आवाज अब ललकार में बदलती है और वो कहते हैं, और वो मैं होने नहीं दूंगा। ऐसा कहते ही दक्ष वरद के ऊपर हमला कर देते हैं। इस बार दक्ष के हाथों में एक शस्त्र आ चुका था। तलवार जैसे दिखने वाला यह शस्त्र बड़ा और धारदार होने के साथ ही तलवार से कहीं ज्यादा घातक दिख रहा था। वो गर्म स्टील के जैसा लाल था जिसके छूते ही सामने वाला भस्म हो सकता था। ऐसे शस्त्र के साथ दक्ष ने वरद के ऊपर आक्रमण कर दिया था। छुप छुप के द्वंद देखने वाली जनता यही चाहती थी कि दक्ष की जीत हो, और जब उनके राजा ने इस शस्त्र का इस्तेमाल किया तो उनकी आशा थी कि इससे जरूर वरद को क्षति पहुंचेगी। हो सकता है दक्ष इससे वरद को मारने में कामयाब हो जाए। दक्ष लाल तपते हुए उस खतरनाक शस्त्र से वरद को दो टुकड़ों में कर देना चाहते थे, पर वरद अपना एक हाथ ऊपर करके उस शस्त्र को रोक लेता है। उस गर्म लोहे का ताप वरद के हाथ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है, बल्कि कैलाश देखता है कि वरद का वो हाथ वैसा ही हो गया था जैसा दक्ष का शस्त्र था, गर्म लोहे जैसा लाल और उससे भी कहीं ज्यादा कठोर। नीरा भी कैलाश के ही करीब थी और दोनों ने वरद के हाथों को तलवार में बदलते देखा था। उन्हें विश्वास नहीं हो पा रहा था, वरद का हाथ ही धारदार हथियार बन चुका था। अब दक्ष और वरद की जंग और भी भीषण हो गई थी। सभी बस मूक दर्शक बने उस द्वंद के साक्षी बने हुए थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कैलाश भी समझ गया था कि इस युद्ध में उसकी कोई बिसात नहीं है। सभी बस अपने अच्छे भविष्य की कामना करते हुए राजा दक्ष की जीत की उम्मीद कर रहे थे, और राजा दक्ष भी अपनी प्रजा के लिए पूरी ताकत के साथ वरद का सामना कर रहे थे। दोनों के बीच उस शस्त्र की लड़ाई का भी कोई खास निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। दोनों में से कोई भी जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा था। वरद अचानक अपने अटैक्स की रफ्तार बढ़ा देता है। आम लोगों को तो उसके अटैक्स की रफ्तार नजर भी नहीं आती है, उन्हें तो बस हवा में एक लाल तलवार का लगातार घूमता हुआ आकार दिखाई देता है। वो तलवार जो राजा दक्ष का सर धड़ से अलग कर देना चाहती थी, पर ऐसा कर पाना इतना भी आसान नहीं था। भले ही आम लोगों के लिए वरद की रफ्तार जादुई थी, पर दक्ष के लिए उससे अपना बचाव कर पाना मुमकिन था, और बिजली की गति से अपने ऊपर होते उस अटैक को राजा दक्ष बखूबी झेल लेते हैं। वरद देखता है कि राजा दक्ष को हराने के लिए उसके एक हाथ का अटैक काफी नहीं था, और इसीलिए वो अपने दूसरे हाथ को भी शस्त्र में बदल लेता है और जरा सी देर में अपने दोनों हाथों से राजा दक्ष के ऊपर आक्रमण करता है। इसके लिए राजा दक्ष तैयार नहीं थे और वो अब कमजोर होते नजर आ रहे थे। वरद ने भी अब अपना पूरा जोर लगा दिया था, जिससे डिफेंड करने में राजा दक्ष की पूरी एनर्जी खत्म होती दिख रही थी। आलम यह था कि दक्ष के मसल्स भी लाल हो चुके थे और अब उनके पूरे शरीर से धुआं निकलने लगा था। अपने पिता की यह हालत देख के कैलाश से रहा नहीं जा रहा था। दक्ष के शरीर की गर्मी से उनके कपड़ों में भी छेद होने लगे थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी। अभी भी वो वरद का डट के सामना कर रहे थे। वरद के अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता ही जा रहा था। उसने सोचा था कि दक्ष को मारने में उसे कोई खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, पर हकीकत कुछ और बयां कर रही थी। दक्ष एक प्रबल प्रतिद्वंदी साबित हो रहा था। सडनली अपने हमले पर विराम लगाते हुए वरद दक्ष से दूर हो जाता है। राजा दक्ष को समझ नहीं आता कि वरद ने ऐसा क्यों किया। थक्के चूर हो चुके राजा दक्ष को जब सांस लेने की थोड़ी सी मोहलत मिलती है, तभी वो देखते हैं कि दूर जा चुके वरद ने उन पर बीसियों तेज धार वाले छोटे छोटे चक्र छोड़ दिए थे। तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे उन चक्रों से बचने का समय राजा दक्ष के पास नहीं था, और धोखे से फेंके गए वो सभी चक्र
दक्ष की बॉडी में आकर लग जाते हैं। कैलाश, नीरा और वहां मौजूद सभी लोग अपने राजा की आह सुनते हैं। राजा दक्ष के कपड़े भी कई जगह से जल चुके थे और अब उनके बुरी तरह से जख्मी शरीर से बहुत खून बहने लगा था। ऐसा होते देखकर कैलाश चिल्ला उठता है, डैड, और उनके पास भागने की कोशिश करता है, पर पास ही खड़ी नीरा पूरी ताकत से कैलाश को पकड़ लेती है। कैलाश अब वहीं खड़ा बेबस सा अपने पिता को बस पुकारता ही रह जाता है। राजा दक्ष लड़खड़ाते हुए अभी भी अपने पैरों पर ही तटस्थ थे। चोट गहरी थी पर उनका मनोबल भी उतना ही गहरा था। अपना सर उठा के वो वरद की तरफ देखते हैं। उनका बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाना अब किसी से छुपा नहीं था। अब सबने मान लिया था कि वरद का अगला वार दक्ष के लिए मौत का पैगाम लेके आने वाला था। वरद के चेहरे पर डेविलिश मुस्कान थी और वो तेजी से दक्ष की तरफ बढ़ रहा था। उसके हाथ दोबारा शस्त्र बन चुके थे जिससे अब वरद दक्ष के ऊपर आखिरी वार करने वाला था। जख्मी दक्ष भारी आंखों से वरद को अपनी तरफ आता देख रहे थे। वरद ने देख लिया था कि दक्ष के पास अब शक्ति बची नहीं थी और उसे बस उसका खात्मा ही करना था। दक्ष जो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए वरद अपने शस्त्र चला देता है, पर वो ये देख नहीं पाता कि राजा दक्ष ने अपने कमजोर होने का बस एक छलावा मात्र किया था। असल में चोटिल होने के बाद भी उनमें काफी शक्ति बची थी। जैसे ही वरद उन पर तेजी से अटैक करता है, वो अपने आप को उस अटैक से ना सिर्फ बचाते हैं बल्कि उनके अचानक रास्ते से हट जाने की वजह से वरद का शरीर उनके ही पैर के पास जमीन से टकरा जाता है। और जब तक वरद पलट के राजा दक्ष को देख पाता, उससे पहले ही दक्ष के हाथों में उनका अगला शस्त्र आ चुका था। कैलाश अपने पिता को देखता है, उसके चेहरे की खुशी साफ दिख रही होती है जब वो दक्ष के हाथों में एक हथौड़ा देखते हैं। यह हथौड़ा आकार में खुद दक्ष से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है, जिसके हैंडल को दक्ष के मजबूत हाथ पकड़े हुए तैयार दिख रहे होते हैं। और जैसे ही वरद ये समझ पाता, दक्ष ने अपने शस्त्र से उस पर अटैक कर दिया था। जमीन पर पड़े वरद के शरीर पर कई टन वजनी वो हथौड़ा आके गिरता है, जिसके बाद दक्ष और वरद के इस द्वंद का सबसे बड़ा एक्सप्लोजन होता है। पूरा मार्केट एरिया अब खंडर में बदल चुका था, जिसके धक्के से लोग अपनी जगह से कई फीट दूर जाके गिरते हैं और अपने आप को संभालने में उन्हें काफी समय लग जाता है। कैलाश भी नीरा को पूरी तरह से कवर कर लेता है और एक्सप्लोजन का सारा इफेक्ट उसकी पीठ पर पड़ता है। कैलाश के कपड़े फट चुके थे और उसकी स्किन पे लाल रैशेस दिखाई दे रहे थे। दक्ष के अटैक का असर काफी देर तक रहता है, जिसके कम होते ही कैलाश और नीरा दक्ष की तरफ देखते हैं। दक्ष ने अपने शस्त्र को उस जगह से हटाया नहीं था। सभी व्याकुल थे ये देखने के लिए कि क्या अंततः दक्ष ने वरद को हरा दिया था, क्या वरद का खात्मा हो चुका था। जब दक्ष अपने शस्त्र को जमीन से हटाते हैं तो उसके नीचे बुरी तरह चोटिल वरद दिखाई देता है। दक्ष के इस अटैक ने उसे काफी क्षति पहुंचाई थी। दक्ष एक सच्चे योद्धा की तरह पीछे हटते हुए वरद को वापस खड़े होने का मौका देते हैं। वरद की बॉडी भी जख्मी हो चुकी थी। दक्ष का पिछला वार काफी घातक था। वरद वापस अपने पैरों में खड़ा होता है। साफ था कि उसने भी अभी हार नहीं मानी थी। दोनों योद्धा बुरी तरह से घायल होने के बावजूद हथियार नहीं डाल रहे थे। दक्ष देखते हैं कि वरद उठते ही फाइनल अटैक करने की तैयारी में था। वो अपनी बची हुई पूरी एनर्जी को एक्टिवेट करने लगता है। दक्ष समझ जाते हैं कि इसके इस्तेमाल से दूर दूर तक किसी की भी जान नहीं बचेगी। वरद को रोकना अब नामुमकिन था। दक्ष भी अपने आप को तैयार करते हैं ताकि वो वरद को अपनी शक्ति इस्तेमाल करने के पहले ही रोक लें। आने वाले काल से अनभिज्ञ मल्लारी की जनता
दोनों योद्धाओं को देख रही थी। उन्हें पता ही नहीं था कि शायद ये उनकी जिंदगी का आखिरी क्षण है। दोनों ने अपनी सारी एनर्जी को एक्टिवेट कर लिया था और उनके चारों तरफ उन एनर्जीज का ऑरा साफ देखा जा सकता था। कुछ बड़ा होने जा रहा था और ये इन दोनों में से किसी एक का अंत था, और ये अंत था उन सभी का जो उन्हें लड़ते हुए देख रहे थे। वरद और दक्ष के टकराने से अब सिर्फ कोई एक ही जिंदा बचने वाला था। वरद की आंखें बंद थी, पर राजा दक्ष अपनी सारी पावर एक्टिवेट कर चुके थे। कैलाश राजा दक्ष को वरद की ओर दौड़ते हुए देखता है और उनके साथ उनका प्रज्वलित आभा मंडला भी आगे बढ़ता है। जब वरद अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसने देर कर दी थी और राजा दक्ष ने उस पे जीत हासिल कर ली थी। वो वरद पर अपनी पूरी एनर्जी के साथ अटैक कर चुके थे। वरद के पास अब समय नहीं बचा था। वरद का अंत तय था। मल्लारी की जनता के सामने आज बुराई की हार हो रही थी और उनके राजा दक्ष ने लगभग जीत हासिल कर ली थी। वरद के इन अंतिम क्षण में अब कोई आकाशीय शक्ति ही उसकी जान बचा सकती थी, पर ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं दिख रहा था। तो क्या होगा वरद का अंजाम? क्या अंगीरा की जनता को वाक कुल से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा? क्या होगा जब राजा दक्ष अपना आखिरी वार करेंगे? क्या उससे और विनाश होगा? और क्या वरद के खात्मे के साथ वहां मौजूद मल्लारी की बेगुनाह जनता को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ। राजा दक्ष ने तय कर लिया था कि वो अब वरद को मार डालेंगे। उनकी आंखों के क्रोध को देख के वरद की सांसें अब रुक ही गई थी और उसकी एनर्जी फील्ड को चीरते हुए राजा दक्ष अपना विस्फोटक हमला करने ही वाले थे कि तभी ऊंचे घने बादल अपने आप हट जाते हैं, जैसे वो किसी के आने का ऐलान कर रहे थे। इससे पहले कि राजा दक्ष वरद को मार पाते, कोई शक्ति थी जो अपने आप राजा दक्ष को रोक देती है। आना होता है स्वयं त्रिवास के रक्षक महाराजा धवल का। उनके दक्ष और वरद के बीच आ जाने से वरद की मृत्यु टल जाती है। धवल की असीमित शक्ति के सामने राजा दक्ष और वरद एक पायदान कम थे। अंगीरा त्रिवास नामक एक कॉन्टिनेंट का ही हिस्सा था जिस पर राजा धवल राज करते थे। उनके आते ही दक्ष और वरद दोनों सर झुकाए अपने घुटनों पर आ जाते हैं। लड़ाई रोक दी गई थी और उससे होने जा रहा विनाश भी थम चुका था। धवल राजा दक्ष की तरफ देखते हुए कहते हैं, राजा दक्ष, तुम ये क्या करने जा रहे थे? ऐसे युद्ध का क्या फायदा जिससे खुद की ही प्रजा का विनाश हो जाए? अपना सर झुकाए दक्ष कहते हैं, महाराज धवल, मैं सिर्फ अपनी अंगीरा की जनता की वाक कुल के इस क्रूर दानव से रक्षा करना चाहता था। मुझे मार के ये पूरे अंगीरा की खुशहाल जनता को लूट लेना चाहता है। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। वरद की जान बच गई थी और अब दक्ष के सच बयान करने के बाद धवल वरद की ओर देखता है। उसके पास दक्ष के लगाए इल्जाम का कोई जवाब नहीं होता है। वो अपना सर झुकाए धवल से कहता है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था महाराज धवल, मैं बस अपने पोते पे हुए जुल्मों का बदला ले रहा था। राजा धवल से झूठ नहीं बोला जा सकता था। वो कहते हैं, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते वरद, मैं जानता हूं कि तुम सच नहीं बोल रहे हो। तक्षय देखता है कि उसके दादा धवल के सामने भीगी बिल्ली बने हुए थे। वाक कुल का सबसे शक्तिशाली इंसान लोगों के सामने अपने किए पर शर्मिंदा दिख रहा था और माफी मांगते हुए कह रहा था, मुझे माफ कर दे महाराज, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इस पर धवल कहते हैं, अंगीरा की जनता का जो भी नुकसान हुआ है, वाक कुल उन सब की भरपाई करेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो त्रिवास में
वाघ कुल का एक भी सदस्य जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। धवल की बातें सुन रहा वरद हाथ जोड़ के कहता है, ऐसा मत कीजिएगा महाराज, हम पर दया करिए, आपका आदेश है हम उसका पालन करेंगे। वहां खड़े सभी लोग धवल को पहली बार देख रहे थे, उनके लिए तो वो किसी भगवान से कम नहीं थे। किसी की भी हिम्मत अपना सर ऊपर करके उन्हें देखने की नहीं होती है, और उन सभी के कानों में दोबारा एक गर्जना सुनाई देती है, और जब उनका सर उठता है तब तक धवल जा चुके थे। वरद और दक्ष के इस द्वंद्व ने मल्लारी के इस हिस्से को खंडर में तब्दील कर दिया था, जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि सैकड़ों हजारों सैनिकों की सेनाओं ने आपस में कई दिनों तक यहाँ युद्ध लड़ा हो। जनता भी हताहत हो चुकी थी, उनके कपड़ों और बालों में धूल की मोटी परत जमी हुई थी, और उनके दिल की धड़कनें कुछ ऐसे चल रही थी मानो उन्हें उनकी जान की बख्शीश बस कुछ ही देर पहले मिली हो। सभी ने यह मान लिया था कि उनका अंत आ चुका है, पर कोई और था जिसने अपना अंत वाकई में अपनी आंखों के सामने से टलता हुआ देखा था, और वो था वरद। वरद ने आज राजा दक्ष की युद्ध दक्षता देख ली थी, उनसे ज्यादा शक्ति होने के बावजूद आज वरद की हार हो चुकी थी और वो अब बिल्कुल निशक्त हो चुका था। महाराज धवल के जाते ही वो बेजान पेड़ के तने की तरह धराशायी हो जाता है। तक्षय अपने दादा को गिरता देख उनकी तरफ भागता है, और उनके पास पहुंचते ही उनका सर अपनी गोद में ले लेता है। चिंता से तक्षय अपने दादाजी को पुकारता है, दादाजी, दादाजी। वरद की आंखें खुलती है और वो तक्षय को अपने पास देखते ही क्रोधित हो जाता है। जैसे तैसे वरद अपने आप को वापस अपने पैरों पे खड़ा करता है और वहां से जाने लगता है। तक्षय अपने दादा को सहारा देने की कोशिश भी करता है, पर बुरी तरह लज्जित हो चुका वरद नहीं चाहता था कि लोग उसे सहारा लेके चलते हुए देखें। वो गुस्से में तक्षय को झटका देके अपने से दूर कर देता है और लंगड़ाता हुआ ही सही पर अकेले वहां से जाने लगता है। तिरछी नजरों से वरद दक्ष की तरफ देखता है, जिसे वहां की जनता ने घेर रखा था, और कैलाश और नीरा दोनों उसके पास जा चुके थे। अपने पिता के पास आते ही कैलाश उन्हें गले से लगा लेता है। राजा दक्ष को बुरी तरह चोट आई थी और कैलाश के उनसे ऐसे अचानक गले लगने से उन्हें बेहद दर्द भी होता है, जो उनके चेहरे पे साफ दिखाई देता है। उनके पास खड़ी उनकी प्रजा अपने राजा के सामने घुटनों पे आ जाती है और उनका जयकारा करने लगती है। निकेत भी वहां आ चुका था और अब राजा दक्ष को गाड़ी में बैठाकर वहां से महल की ओर ले जाने की कवायद शुरू होती है। निकेत कहता है, महाराज हमें अब महल की ओर चलना चाहिए, गाड़ी तैयार है, आपको काफी चोट आई है, शमन को तुरंत आपको चेक करना होगा। राजा दक्ष निकेत से कहते हैं, मैं अपने पैरों से चल के ही जाना चाहूंगा। इस पर कैलाश तुरंत कहता है, पर डैड बेहतर होगा हम जल्दी शमन के पास पहुंचे, मैं भी निकेत की बात से सहमत हूं। राजा दक्ष किसी की बात नहीं सुनते हैं और कैलाश की बात खत्म होने से पहले ही महल की ओर पैदल चलने लगते हैं। उनको जाता देखकर कैलाश पीछे से बस उन्हें आवाज ही लगाता रह जाता है, डैड डैड प्लीज रुक जाइए। सब देखते हैं कि राजा दक्ष अब रुकने वाले नहीं थे। कैलाश भागता हुआ अपने पिता के साथ उनके कदम से कदम मिलाते हुए चलने लगता है। कैलाश लगातार उन्हें ही देख रहा था, वो शॉक्ड था कि आखिर कैसे उनके पास इतनी इच्छा शक्ति थी। जिस द्वंद के बाद सांस ले पाना भी दुबर था, राजा दक्ष पूरी मल्लारी की जनता के सामने अपने पैरों पर चलते हुए अपने महल की ओर जा रहे थे। ये ताज्जुब की बात थी, कैलाश को अपने पिता पे अभिमान की अनुभूति होती है, उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, यह सोच के कि वो इतने महान योद्धा की संतान है कि उसकी रगों में राजा दक्ष का खून बह रहा है। अपने राजा के लिए मल्लारी की जनता में जो प्यार
और आदर का भाव पैदा हुआ था उसकी कोई सीमा नहीं थी। राजा दक्ष के जयकारे से आज पूरा मल्लारी गूंज रहा था और ऐसा होते देखकर नीरा के भी रोंगटे खड़े हो चुके थे। कैलाश को आज बहुत बड़ा सबक मिला था। शक्तियां हासिल करना एक बात थी और राजा दक्ष जैसा बन पाना अलग बात थी। राजा का कारवा पैदल चलता हुआ महल तक आ जाता है। पूरे मल्लारी ने आज अपने राजा में वो योद्धा देखा था जिसे हरा पाना आसान नहीं था। वो सुरक्षित महसूस कर रहे थे और अब राजा दक्ष अपने महल के अंदर दाखिल होते हैं। महल के दरवाजे बंद होने के साथ अब आम जनता की आंखों के सामने से उनके राजा ओझल हो जाते हैं। दरवाजा बंद होते ही दक्ष का क्षीण हो चुका शरीर जमीन पर गिर जाता है। कैलाश भागता हुआ अपने पिता को संभालता है। चिंता से कैलाश दक्ष को अपनी गोद में लेता हुआ कहता है, डैड 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 आंखें खोलिए डैड प्लीज। कैलाश की आंखों में बेबसी के आंसू बहने लगते हैं। नीरा भी नीचे जमीन पे कैलाश के करीब आके राजा दक्ष को होश में वापस लाने की कोशिश करती है पर दोनों के प्रयास काम नहीं आते हैं। राजा फेटली इंजर्ड हो चुके थे, उनकी सांसें भी धीमी चल रही थी। कैलाश घबराया हुआ चेहरा लेके ऊपर देखता है। महल के अंदर लोग उन्हें घेर के खड़े थे। कैलाश चिल्ला के कहता है, समय नहीं है हमारे पास, शमन को बुलाया जाए जल्द से जल्द। कैलाश की बात सुनते ही निकेत शमन को बुलाने के लिए दौड़ पड़ा। कैलाश दोबारा अपने डैड की ओर देखता है, उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रोता हुआ कैलाश कहता है, डैड मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। और सबकी नजरों के सामने कैलाश अपने पिता को अकेले अपने हाथों में लिया उनके कमरे में जाता है और उन्हें उनके बड़े से बेड पे लेटा देता है। राजा दक्ष के शरीर पर हर जगह चोट के गहरे घाव थे जहां से लगातार खून बह रहा था। कैलाश पास ही बैठा अपने डैड को देख रहा था। नीरा भी नम आंखों से कैलाश से कहती है, कैलाश अपने आप को संभालो, गुरुजी ठीक हो जाएंगे देखना। राजा दक्ष की कंडीशन के लिए कैलाश खुद को दोषी मानने लगा था। वो नीरा से कहता है, नीरा डैड को कुछ नहीं होता अगर मैं तक्ष से लड़ाई नहीं करता। डैड की जो भी कंडीशन है मैं ही हूं उसकी वजह। यह सुनकर नीरा कहती है, तुम गलत सोच रहे हो कैलाश, वरद और तक्ष का हमेशा से एक ही उद्देश्य था, वो गुरुजी की जगह लेना चाहते हैं और इस बार उन लोगों ने तुम्हें अपना जरिया बनाया था। कैलाश के सामने नीरा के तर्क काम नहीं करते हैं और वो कहता है, पर मेरा उनका जरिया बनना भी मेरी ही गलती है। अगर मैं पहले से ही ये बात समझ जाता तो लड़ाई को बढ़ने ही नहीं देता, तक्ष से हार मान लेने में क्या खामी थी। कैलाश देखता है कि राजा दक्ष की आंखें बंद थी और उनके चेहरे की शांति डरा देने वाली थी। महल में पूरी तरह मातम छा चुका था। राजा दक्ष के जख्मी होने से वहां मौजूद सभी बेहद दुखी हो गए थे पर यह बात महल के अंदर ही सीमित रखी गई थी। राजा की स्थिति के बारे में जनता को कुछ मालूम नहीं था, वो तो उन सब बातों से अनभिज्ञ जश्न मना रहे थे। आज पूरा मल्लारी खुशियां मना रहा था। उनके राजा की जीत के जश्न का कोलाहल राजा दक्ष के कानों तक आ रहा था जो कि कैलाश और नीरा के लिए शोरगुल बन चुका था। कैलाश कमरे की खिड़कियों को बंद कर देता है ताकि बाहर की आवाजें अंदर ना आ पाएं। नीरा कैलाश से कहती है, आज पूरा अंगीरा हर्षोल्लास में डूबा हुआ है और जो इस खुशी की वजह है वो खुद जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। अंगीरा की जनता खुशनसीब है कि गुरुजी जैसा सामंत उनका राजा है जिसने ना जाने क्या झेला होगा, कितनी परेशानी हुई होगी गुरुजी को जब वो इस जख्मी हालत में सबके सामने पैदल चल के अपने महल तक आए ताकि मल्लारी की जनता का मनोबल कम ना हो। कैलाश के मन में अपने डैड की इज्जत कई गुना बढ़ जाती है। इस तरह का बलिदान कर पाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। इसके लिए सिर्फ निडरता ही नहीं बेहद सुलझा हुआ दिमाग और विशाल हृदय की जरूरत होती है। कैलाश दक्ष को देख ही रहा था कि शमन
कई लोगों की भीड़ के साथ वहां उपस्थित होते हैं। बिना अपनी नजर इधर उधर भटकाए शमन सीधा अपने राजा दक्ष के पास चले जाते हैं। उनके चेहरे की गंभीर लकीरें वहां मौजूद सभी के दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। कैलाश भागता हुआ शमन के पास पहुंचता है और पूछता है, डैड को बचाना बहुत जरूरी है शमन, चाहे जो हो जाए मल्लारी अपने इस राजा को नहीं खो सकता। निकेत के साथ बाकी सभी इंपॉर्टेंट लोग आज उस कमरे में मौजूद थे। सभी शमन को ही देख रहे थे। उनकी आखिरी और अकेली उम्मीद शमन राजा दक्ष की परिस्थिति का पूरी तरह निरीक्षण करते हैं। कैलाश का ध्यान अब सिर्फ शमन के गंभीर चेहरे पर रहता है। चेकअप खत्म करने के बाद शमन खड़े हो जाते हैं। फिर वो पलटकर पीछे खड़े सभी लोगों की तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पे उम्मीद की रोशनी खत्म होती दिख रही थी। शमन को देखकर कैलाश का दिल बैठा जा रहा था। क्या कहने वाले थे शमन? क्या राजा दक्ष की सांसें रुकने वाली थी? क्या ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता था जिससे उन्हें बचा लिया जाए? कैसी चुनौतियों वाला भविष्य कैलाश का इंतजार कर रहा था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए पॉकेट एफएम के साथ।